कि कर्ज और बेरोजगारी के कारण लोग अपने ही बच्चों को मारकर खुद आत्महत्या पर मजबूर हो रहे हैं। आपको जानकारी भी नहीं है कि रेलवे के निजीकरण के विरोध में 9 लाख से ज्यादा कर्मचारी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब बिहार चुनाव सामने है तो बिहार के नागरिक की हत्या राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। खुद घर में बैठे मोर नचा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि नेताजी आपका ध्यान भटका रहे हैं? नोटबंदी के समय 50 दिन मांगे, काले धन के समय 100 दिन मांगे, कोरोना हटाने के लिए 21 दिन देश ने दिए। क्या होगा यदि आपको सोचने का मौका भी ना मिले और आपको वही सोचने दिया जाए जो सरकार चाहती है? आप बोलना तो दूर, सोच भी नहीं पा रहे कि कर्ज और बेरोजगारी के कारण लोग अपने ही बच्चों को मारकर खुद आत्महत्या पर मजबूर हो रहे हैं। आपको जानकारी भी नहीं है कि रेलवे के निजीकरण के विरोध में 9 लाख से ज्यादा कर्मचारी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि डीजल पेट्रोल के भाव इस बर्बादी के समय में भी क्यों बढ़ रहे हैं। आप किसी से पूछ भी नहीं पा रहे कि फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज कब खुलेंगे। क्या आपको बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि कल 76,472 भारतीय नागरिक कोरोना पॉजिटिव हुए? क्या आप किसी से पूछ पाए कि 34,63,000 लोगों की क्या गलती थी कि वो अकाल मौत के मुंह में चले गए? क्या आपको पता है कि कोरोना से मरने वाले 62,550 लोगों के परिवार कैसे पल रहे होंगे? आपको जानने का हक है, लेकिन सरकार चाहती है कि पहले देश ये जान ले कि रिया और सुशांत व्हाट्सएप पर क्या बात करते थे। अगर सुशांत की हत्या हुई है तो आखिर मर तो गया हमारा भाई। देश में 80 से 100 हत्याकांड हर रोज होते हैं जो पुलिस तक जाते हैं। सुशांत का केस भी देश के बाकी हत्याकांड की तरह ही क्यों नहीं चलाया जा रहा? देश में पत्रकारों की हत्या हुई, कोई शोर नहीं। किसी शिक्षक की हत्या हुई, कोई शोर नहीं। किसी बेटे की, किसी बेटी की हत्या हुई, सरकार को कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन अब बिहार चुनाव सामने है तो बिहार के नागरिक की हत्या राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। देश मौत के तांडव के बीच फंसा है। बच्चों को एग्जाम दिलाना सरकार ने अपने मान सम्मान का मुद्दा बना लिया और खुद घर में बैठे मोर नचा रहे। आपको नहीं लगता कि नेताजी आपका ध्यान भटका रहे हैं? नोटबंदी के समय 50 दिन मांगे, काले धन के समय 100 दिन मांगे, कोरोना हटाने के लिए 21 दिन देश ने दिए, और देश को क्या मिला? ये सवाल अब देश को करना होगा। जय हिंद।